आज हम बात करेंगे ब्लैक रॉक मेलवेयर के बारे में, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये मालवेयर, कैसा है, किस तरीके से आपके डिवाइस के अंदर आता है और आप इससे किस तरीके से बच सकते हो, सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो, सो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्य त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ टेक बी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार किया तो पूरा ही जो वीडियो ब्लर हो चुका था, तो ठीक से वो एडिट मैं नहीं कर पाया। तो अभी दोस्तों दूसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। अब बात करते हैं इस मेलवेयर की, तो ये जो पर्टिकुलर मेलवेयर है वो कोई भी अलग नहीं है ऑल मेलवेयर की तरह। ये जो है वो वही डेटा हमारा लेता है जो कि ऑल भी सारे मेलवेयर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि ये जो पर्टिकुलर मेलवेयर है वो हमारे मेनस्ट्रीम एप्लीकेशन से डेटा जो है वो उठाता है वहाँ से। और अगर हम बात करें हमारे मेनस्ट्रीम एप्लीकेशंस की, तो उसके अंदर नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजोन आ गया, पेपाल आ गया, हमारा व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, तो ऐसी सारी जो वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली हम फिल कर रहे होते हैं, तो इन्हीं सारी एप्लीकेशन से हमारा डेटा जो है वो उठा लेता है, क्योंकि हमारे और हमारे डिवाइस दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। बात करते हैं कि ब्लैक रॉक मेलवेयर क्या है और आपके डिवाइस के अंदर ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर मेलवेयर है वो लीक हुआ एक सोर्स कोड से, जहाँ पे मान लीजिए कि आपके डिवाइस के अंदर मेलवेयर आ जाता है, तो सबसे पहले जो है वो फ्रीक्वेंटली जब भी हम हमारी मेनस्ट्रीम एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, तो वहां पे हमको एक पॉपअप विंडो देखने को मिल सकती है जहां पे गूगल अपडेट्स लिखा हुआ हो सकता है। अब यहां पे गूगल का नाम देखते ही हमारा जो एक ट्रस्ट ऐसा है गूगल के ऊपर, जहां पे हम नाम रीड करते हैं, यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और एक बार यस के ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर हमने एक बार इसको परमिशन ग्रांट कर दी, तो नेक्स्ट टाइम के बाद में ये जो सारी मेनस्ट्रीम एप्लीकेशंस है उसकी परमिशन ये अपने आप ही ग्रांट कर लेगा, दूसरी बार हमको पूछेगा भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं मेनस्ट्रीम एप्लीकेशंस की, तो ये जो पर्टिकुलर मेलवेयर है वो डेटा ले सकता है 337 मेनस्ट्रीम एप्लीकेशंस का, जो कि काफी बड़ा नंबर है, जिसके अंदर हमारी बैंक डिटेल्स भी हो सकती है और उसके बाद में जो सारी डिटेल्स है वो चली जाएगी कोई भी हैकर के सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको दो पाई चार्ट शो कर रहा हूँ, आप क्लियरली देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेशन है यहाँ पे। आप इसके अंदर क्लियरली देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी की कितनी परसेंटेज इन्फॉर्मेशन है वो ये मेलवेयर ले लेगा। जहाँ पे काफी बड़ा हाथ है फाइनेंस का, मतलब कि आपकी जो बैंक डिटेल हो गई या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई वो सारी चली जाएगी कोई भी हैकर के सर्वर के ऊपर। एक बार सोच के देखिए। अब बात करते हैं कि आप जो है वो इस ब्लैक रॉक मेलवेयर से किस तरीके से बच सकते हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हो जिसकी मदद से आप इस मेलवेयर से काफी दूर रह सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप स्मार्टफोन के अंदर कोई भी एपीके एप्लीकेशंस को यूज करते हो, एटलीस्ट अभी के लिए कोई भी एपीके वेबसाइट के ऊपर एपीके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पता है इस द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट जो मेलवेयर है वो आ सकता है आपके डिवाइस के अंदर, या फिर अगर आप कोई भी पेड एपीके वेबसाइट को यूज करते हो एपीके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, वहां से भी आप डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि वहां से भी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे मेलवेयर्स के आने का। थर्ड टिप है अपडेट। अभी आप कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे, उसके अंदर एक या दो महीने के अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट्स जो है वो कंपनीज भेजती रहती है, तो आप जो है वो याद करके जो अपडेट्स है वो डालते रहे फ्रीक्वेंटली, जहां पे आपके जो स्मार्टफोन की सिक्योरिटी है वो मेंटेन रह सके एक हद तक। थर्ड टिप है एप्लीकेशंस। अभी दोस्तों आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो या फिर पेड हो या फिर अनपेड हो, आप सिर्फ उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ताकि गूगल की सिक्योरिटी जो है वो हमको मिल पाए और एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन जो है वो आप यूज कर सको आपके स्मार्टफोन के अंदर। अब नेक्स्ट और लास्ट टिप है लिंक्स। अभी आप कोई भी सस्पिशियस लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें। अभी अगर आपको पता है कि ये जो लिंक है वो 100% ऑथेंटिक है, तभी आप उसके ऊपर क्लिक करें। और अगर आपको डाउट है या फिर नहीं पता है उस लिंक के बारे में, तो मेहरबानी करके उसके ऊपर क्लिक ना करें, जिससे कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई भी ऐसे मेलवेयर ना आ पाए। बाकी आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि क्या ऐसे कोई भी मेलवेयर के अंदर आप कभी भी फंसे हो या नहीं। बाकी दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।